बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इन यूनिट नंबर 2, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन एनिमल्स। एंड टुडेज टॉपिक इज़ डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, पहले हमने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या होती है? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होती है उसको हम डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर ईच कम्प्लीट सर्किट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब भी हमारे हार्ट से ब्लड पास होता है तो वो क्या होता है कि एक सर्किट को कम्प्लीट करने के लिए दो दफ़ा हमारे हार्ट से हमारे दिल से गुजरता है, इसलिए उसकी तब जाके एक सर्कुलेशन कम्प्लीट होती है। दो दफ़ा गुजरने के बाद जाके एक सर्कुलेशन कम्प्लीट होती है, सो दैट्स कॉल्ड द डबल ब्लड सर्कुलेशन। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड। ठीक है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, लंग्स ज़ाहिर है एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर वही ऑक्सीजन जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स द लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, लीव द लंग्स एंड एंटर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। क्या होता है, लंग्स को जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है तो वो एंटर हो जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू द लेफ्ट एट्रियम एंड देन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जाहिर है जब लेफ्ट साइड पर एंटर होगा तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है गुजर के आगे जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और पंप कर देता है उसको आर्टरीज में। ठीक है, फिर आर्टरीज से फर्दर सप्लाई होती है ब्लड की पूरी बॉडी के अंदर। ब्लड फ्लो फ्रॉम द आर्टरीज इनटू द कैपिलरीज। आर्टरीज से ब्लड जो है वो फ्लो करता हुआ कैपिलरीज में चला जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल टेक प्लेस थ्रू द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, इसलिए वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी हो सकता है और न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल भी उनकी वॉल से पास ऑन हो सकता है। कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू द राइट एट्रियम एंड गोज टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू एन ओपनिंग। क्या होता है, जब भी कैपिलरीज मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर अभी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हुई। ठीक है, तो वो वापस किधर जाता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट। जाहिर है जब राइट साइड पे जाना है उसने तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से गुजर के जाना है। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लंग्स। जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड गुजरेगा तो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, थ्रू आ पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ पे क्या होगा वो डी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल से गुजर के वो लंग्स में जाएगा और लंग्स से जाके ऑक्सीजन लेगा और फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फ्रॉम देयर ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर रिलीज़ कर देगा और जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर देगा और क्या हो जाएगा, बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड देन अगेन एंटर द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो दोबारा से जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर हो जाएगा।